अब बात करते हैं सिंगरौली की, जहां मुख्यमंत्री के आदेश पर रोजगार दिवस मनाया गया है। वहीं रोजगार मेले में बेरोजगारों की भीड़ उमड़ पड़ी है। 5,352 लोगों को 31 करोड़ 31 लाख की सहायता की गई है। बेरोजगार युवक के सवाल पर सीधी सिंगरौली सांसद भड़क उठी हैं। उनका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद जिला स्तरीय रोजगार दिवस अमलोरी परियोजना के कल्याण मंडप भवन में आयोजित हुआ, जिसमें बेरोजगार युवकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रोजगार दिवस मेले में 5,352 लोगों को 31 करोड़ 31 लाख का लोन देकर उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं के तहत आत्मनिर्भर बनाने का टारगेट को अमली जामा पहनाया गया। रोजगार दिवस पर सीधी सिंगरौली सांसद विधायक सिंगरौली राम लल्लू बैस, विधायक देवसर सुभाष वर्मा, विधायक चितरंगी अमर सिंह, कलेक्टर राजीव रंजन मीणा समेत जिले के अधिकारी गण मौजूद रहे। मेले में कई युवक डेटा लेकर निजी कंपनी में जॉब के लिए पहुंचे। इस दौरान एक बेरोजगार सांसद से जॉब के लिए सवाल किया तो वह जमकर भड़क गई और सीधे वहां वापस चल दी। सांसद के ऐसे रिएक्शन का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। स्वरोजगार मेला है कार्यक्रम में 5,256 लोग और 31 करोड़ 31 लाख का जो है लाभ प्रदाय किया गया है। अब 5,256 लोग इसमें इस मेले में लाभान्वित हुए हैं। तो इनको क्या खुद आत्मनिर्भर बनने या खुद का स्वरोजगार के लिए विभिन्न जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, शहरी राष्ट्रीय आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री पद का विक्रेता, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, पशु चिकित्सा, मत्स्य पालन विभाग, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य तथा उन्नयन योजना, संत रविदास स्वरोजगार योजना, यानी क्या माना जाए कई योजनाओं के तहत इनको लाभ प्रदाय किया गया है। और ये है कि ये स्वावलंबी बने, अपना स्वयं को स्वरोजगार चालू करें और शासन की माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार लोग जो है अपना व्यवसाय और रोजगार संचालित करें।